नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर। और 10 मिनट की सीरीज में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज की 10 मिनट की सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वह टॉपिक है जीएम क्रॉप, जिसे आप अनुवांशिक रूप से जो चेंज की गई क्रॉप होती है, आप उन्हें भी बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अभी हाल ही में क्या एक डिसीजन आया है कि जो जीएम सरसों है, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है, उसको व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी सरकार की मिल गई है। एक मंत्रालय है जिस मंत्रालय का नाम देख रहे होंगे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है ना, के तहत एक समिति काम करती है जिसे आप क्या बोलते हैं, GEAC, मतलब कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। तो इस समिति को यह अलाउड है कि अब वो जो है जीएम सरसों का उत्पादन कर सकती है। तो क्या है ये जीएम क्रॉप और किस तरीके से ये फायदेमंद है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, आज पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। तो ये जो जीएम क्रॉप होती है, एक्चुअली जिसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, ये एक प्रकार से एक सुविधा है जिसके द्वारा हम लोग किसी फसल को, जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि कोई फसल कहीं पर सूखे की वजह से नहीं हो पाती, कहीं का जलवायु बेहतर नहीं है इस वजह से उस जगह पे वो फसल नहीं उगाई जाती, कहीं पर पानी की ज्यादा आवश्यकता है और वहां पानी कम होने पर उसकी फसल ठीक से नहीं उग पाती, तो इन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए ऐसी क्रॉप बनाई जा सकती है। क्या किया जाता है कि ऐसी जो फसलें होती हैं उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है, उनके अनुवांशिकी में कुछ बदलाव किया जाता है, और इस बदलाव से वो फसलें जो कैसी हो जाती हैं, जैसे जिसमें कम उपज होती हो उनमें उपज में वृद्धि की जा सकती है उनको मॉडिफाई करके। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी फसल होती है जो खरपतवार की वजह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कम उत्पादन करती है, तो हम ऐसी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि उनके प्रति खरपतवार का उन पर असर ना पड़े। आप देखते हैं कई बार जो गुड़ाई या निराई करवाते हैं आप खेत में, वो इसलिए ताकि फसलों पर फर्क ना पड़े। तो हम ऐसी क्रॉप ही बना देते हैं जीएम क्रॉप के माध्यम से, जिन पर जो खरपतवार का असर ना पड़े। ऐसी फसलें भी बनाई जा सकती हैं जो रोग से प्रभावित ना हो। बहुत सारे रोग जो है फसलों में लग जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएं तो हम उसमें रोग से भी बचा करके फसलों को ले, मतलब ऐसा भी क्रॉप बना सकते हैं, ऐसी भी सीड बना सकते हैं। ऐसी भी फसल बनाई जा सकती है जो सूखे में भी उत्पादन कर सके, पानी कम है तब पर भी अच्छी उत्पादन कर सके, तो ऐसा भी किया जा सकता है। या मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी फसल में, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अलग से मॉडिफाई करके ज्यादा कर दी गई है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा विटामिन है जो लोगों को फसलों के माध्यम से चाहिए और उसकी कमी को पूरा करना है, तो हम उसे पोषण मूल्य को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने क्रॉप को, और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ऐसी क्रॉप बहुत फायदेमंद हो सकती है किसानों की, तो आय डबल करने में जैसा सरकार का लक्ष्य है, और भी इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है। जैसे आप बात करें अगर लाभ क्या है इस व्यवस्था का, जीएम क्रॉप का लाभ क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है कि भूमि चाहे उतनी ही रहे लेकिन उत्पादन अधिक किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होंगी तो बहुत सारी चीजों से, रोग से बच जाएंगी, पानी कम लगेगा, और इस तरीके से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। और इसके साथ साथ ये जलवायु के जो विशेष, मतलब पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कभी वो क्या हो जाए, सूखा आ जाए और वहां पर फसल नहीं होती है नॉर्मली अभी, लेकिन अगर जीएम क्रॉप है तो हम कम पानी वाले स्थानों पर भी फसल उगा सकते हैं। तो एक तरीके से विशिष्ट जलवायु में भी लाभकारी है, जब जलवायु हमारे पक्ष में ना रहे तब पर भी हम ऐसी फसलों से उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हर चीज की कोई हानि होती है, हर चीज की लिमिटेशंस होते हैं, तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो इसमें लागत लगती है, जैसे मान लीजिए जीएम क्रॉप बनाने में उसमें एक अलग खर्च लगते हैं, तो ये पहली समस्या है। एक और दिक्कत है कि जैसे नॉर्मल बीजों को हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होंगी उनको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ में सारा मैटर मिलेगा, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और पर्यावरणीय भी एक चिंता है, क्यों, क्योंकि देखिए कई बार मान लीजिए कि हम रोग प्रतिरोधक ऐसे चीजों को बना लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे जीवाणु या ऐसे खरपतवार भी
समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो फसलों के लिए फायदेमंद होते हैं, राइट, उनका कहीं ना कहीं उसी से पोषण चलता है, वो एक दूसरे पर म्यूचुअल काम करते हैं। जैसे वो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को उगने में, फसलों में भी वो लगने में, फल लगने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे टारगेट हो सकते हैं जो अनिच्छित हो, मतलब कि जो हम चाहे ना तब पर भी उन्हें नुकसान हो सके। तो एक तरीके से कुछ प्रजातियां भी नष्ट हो सकती हैं जिनकी डिपेंडेंसी क्रॉप पर होगी ना, ऐसा भी संभव है, ये नेगेटिव बात की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो है अगर ऐसे ही होता रहा तो बहुत सारी हम ऐसी चीजों को भी टारगेट कर सकते हैं जो शायद पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, लेकिन अपने लाभ के चक्कर में कि फसलें और उत्पादन ज्यादा हो, इसके चक्कर में बहुत सारे नुकसान भी पर्यावरण को कर सकते हैं। जैसे ये जीएम क्रॉप है जिसके लाभ और लिमिटेशन आपने देखी, मतलब हानि देखी। अभी आज जो चर्चा है वो एक प्रकार की सरसों है, जिस सरसों का नाम है धारा सरसों हाइब्रिड, मतलब कि DMH11, ठीक है। इसको जो है एक अनुमति मिल गई है कि आप इसको अच्छे से उगा सकते हैं। देखिए जीएम क्रॉप की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि सरकार इस पर क्या अनुमति नहीं दे रही थी, सरकार इसको प्रतिबंधित कर दे रही थी। अभी चूंकि क्लैरिटी ना होने के कारण तो बहुत चर्चा की गई कि जीएम की जो ये सरसों है क्या इसे लागू किया जाना चाहिए, तो इस बात के लिए अनुमति मिल गई है। अभी अक्टूबर में ही हाल की ही खबर है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा उत्पादन कर सकते हैं, मतलब कि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा डिटेल अगर देखेंगे तो जैसे कह सकते हैं कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 8.5 से 9 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करता है, और जबकि इतना मिलियन आयात करता है, 14.5 मिलियन टन तक आयात करता है। अगर हम इस क्रॉप से रिकॉर्ड तोड़ या बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर पाएगा, ठीक है ना। तो भारत में ये जो जीएम क्रॉप, इसका ये जरूर ध्यान रखिएगा ये नाम क्या है, धारा सरसों हाइब्रिड DMH11 को अनुमति मिली है, ठीक है, और ये उत्पादन मदद करके भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग इस पर डिस्कस करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जीएम क्रॉप और भी हैं, ये कोई पहली फसल नहीं है। जैसे बीटी कपास आप देखते हैं, बीटी कपास भी एक प्रकार की जीएम क्रॉप है जिसको क्या कहते हैं 2002 में अनुमति मिली थी, ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे 6 राज्य आपके नाम यहाँ पे लिखे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जैसे बीटी कपास को उगाने और उसको फसल में लाने के लिए अनुमति दे भी चुके हैं। बीटी बैगन भी इसी तरह से बना था, ठीक है, ताकि बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सके, लेकिन जो है 2007 में बीटी बैगन के व्यावसायिक रिलीज को रोक दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लोग खाएंगे पता नहीं बीमारियां ना हो जाए, तो अभी इस पर क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसीलिए कुछ चीजों को अनुमति है और कुछ चीजों को अनुमति नहीं है। अभी जो जरूरी बात वो है कि आपको एक प्रकार की सरसों है जिसका नाम धारा सरसों है, वो अनुवांशिक तौर पर संशोधित एक फसल है और इसको व्यावसायिक अनुमति मिल गई है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जीएम क्रॉप होती क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एक पक्ष जो है वो फायदेमंद भी है, कहीं ना कहीं किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, अधिक उत्पादन हो सकता है, कम जमीन पर भी अच्छे से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता फसलों की बढ़ाई जा सकती है, ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन क्योंकि विज्ञान अभी अपने अनुवांशिक रूप में है, या कहूँ बच्चे के स्वरूप में है, अभी विज्ञान सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई है, तो इसलिए यह कहना बहुत मतलब अभी सही नहीं होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पर्यावरण पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन अभी वर्तमान को देखते हुए तो ये बात संभव है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रॉफिटेबल है। लेट्स सी आगे क्या होता है, इसके रिपरकेशन क्या होते हैं, लेकिन आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जीएम क्रॉप होती क्या है, ठीक है। और ऐसे ही याद रखिएगा, एक जो जीएम क्रॉप है जिसे आप राइस बोलते हैं, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम कल आपके साथ मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।